समझ समझ का फेर है और इसी का नाम अजमेर है। आज बात करेंगे धार्मिक नगरी अजमेर के बारे में, जहां एक तरफ विश्व का एकमात्र जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर है तो दूसरी तरफ विश्व विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह है। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं सिद्दिका मनोहर सोनी आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी अजमेर उत्तर विधानसभा सीट के बारे में, आज बात करेंगे अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट के बारे में। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर लगभग 209,182 मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे और प्रत्याशी की हार जीत का फैसला तय करेंगे। बीजेपी ने पिछली बार की तरह इस बार भी अपना भरोसा अनीता भदेल पर जताया है, तो वही कांग्रेस ने अपना दाव द्रौपदी कौली पर खेला है। अगर गौर करें यहाँ के जातिगत समीकरण पर तो आपको बता दें ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन एससी वोटर्स के अलावा यहाँ माली और सिंधी समुदाय के वोटर्स की भी अच्छी खासी संख्या है जो मैदान में उतरे प्रत्याशी की हार जीत का समीकरण तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट को बीजेपी का अभेद किला माना जाता है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में, इस सीट पर 202,276 मतदाता थे जिन्होंने बीजेपी उम्मीदवार अनीता भदेल को 59,064 वोट देकर जिताया था, तो वही कांग्रेस उम्मीदवार हेमंत भाटी को 63,364 मतदाताओं का समर्थन मिला था और उन्हें 5,700 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। बता दें 1998 के बाद से कांग्रेस को लगातार इस सीट से हार का सामना करना पड़ रहा है और बीजेपी लगातार अपनी जीत का परचम लहरा रही है। ऐसे में देखना ये होगा क्या इस बार होने वाले चुनाव में बीजेपी अपनी जीत का दबदबा कायम रख पाएगी या फिर कांग्रेस बाजी मारने में सफल हो जाएगी। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।